समीकरण बनते हुए बीजेपी कार्यालय में, क्योंकि अब वहां पर भी हलचलें तेज हो गई हैं, दिखाई दे रहे हैं मनोज जी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीधे तस्वीर में दिखाता हूँ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि इस कोरोना के संकट के कारण से चुनाव जो डिले हुए थे, इलेक्शन कमीशन जब डिक्लेयर करेगा, तो आज डिक्लेरेशन हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए आने वाले उपचुनाव, जो एक लोकसभा और तीन विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, प्रचंड तैयारी के साथ प्रत्येक बूथ लेवल पर, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लेवल पर, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हम सब मैदान में आज से नहीं, लगातार इस काम में लगे हुए, बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। हम चुनाव में केवल चुनाव के लिए नहीं मैदान में उतरते, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन सक्रिय रहती है और चुनाव की व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ताकत के साथ मैदान में उतर करके की है। जी, आप लगातार दौरा कर रहे हो, देख रहे थे खासी भीड़ भी दिखाई दे रही थी, जनदर्शन में भी दिखाई दिया, तो क्या ये जो जनता का प्रतिशत दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चुनाव को यदि देखें तो दो आपके पास नहीं है, दो कांग्रेस के पास, चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी बहुत जल्दी, चिंता मत करिए। मध्य प्रदेश के अंदर इस जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ने और गरीब कल्याण की उन योजनाओं ने जो 28 विधानसभाओं के चुनाव में आईना दिखाया था कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को, इन चार उपचुनाव में भी जनता उनको आईना दिखाएगी, क्योंकि हम सब केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, उन मुद्दों पर और संगठन की ताकत के बल पर चुनाव मैदान में है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने तो संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव कैसे जीतेंगे, जो हम लगातार इस काम में लगे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। कांग्रेस आज अस्तित्व खत्म हो रहा है, कांग्रेस सहयोगी ढूंढ रही है और जहां जहां कांग्रेस ने सहयोगी ढूंढे हैं वहां कांग्रेस जीरो पर चली गई, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे देश के अंदर कोई और हिस्सा हो, क्योंकि कांग्रेस अपना स्वयं का अस्तित्व खो रही है। बहुत अच्छी बात है कमलनाथ जी परिदृश्य से बाहर हैं और मिस्टर बंटाढार, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को पलीता लगा दिया था, मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था, जो खुद कहते हैं कि मेरे जाने से जनता वोट काट देती है, उनके हाथ में कांग्रेस की कमान है, तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है। ऐसे जो देशद्रोही ताकतें समाज के अंदर हैं, जो इस प्रकार की भावनाएं रखने वाले जो लोग हैं कि समाज में विघटनकारी ताकतें, कांग्रेस के पास ऐसे ही लोग आएंगे जो विघटन फैलाने का काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को ही कांग्रेस ढूंढ ढूंढ करके लाएगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी दिन भर विघटनकारी ताकतें, पाकिस्तान परिस्थ ताकतें, आतंकवादियों का समर्थन, नक्सलवादियों का समर्थन करने वाले जो लोग हैं, तो ऐसे ही लोग ढूंढेंगे और कहां से लोग लाएंगे। सर, उपचुनाव में जो है, अगर बात करें प्रत्याशियों की, खासतौर पे खंडवा वगैरह, वहां पे काफी सारे दावेदार हैं आपके साथ, काफी देखिए प्रत्याशी, अब चुनाव डिक्लेयर हो गए और हमारी पूरी तैयारी है, जल्दी ही प्रत्याशी भी आपके सामने होंगे। देखिए अभी आज की हमारी बैठक, अलग अलग प्रकार से हमारी बैठकें हैं, आज चुनाव के हमारे जो बाकी लोग हैं जो चुनाव के काम में लगे हैं, हमारा संगठन की तैयारी आज से नहीं, आपने हमेशा देखा है कि लगातार हमारी तैयारियां चलती रहती हैं, आज भी हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की इस काम में लगे हुए जो लोग हैं उनकी हमारी बैठक है, उसकी समीक्षा, आगे की रणनीति, इस पर हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं और इन बैठकें भी उसका एक हिस्सा हैं। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, उनकी मेहनत, बूथ बूथ पर कार्यकर्ताओं के व्यापक तैयारी और केंद्र सरकार की तो प्रेरणा, गरीब कल्याण योजनाओं का हवाला देते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि चारों सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी, एक बड़ा दावा उन्होंने किया है, क्या कहेंगी? बिल्कुल शुभांगी, देखने को मिल रहा है कि आत्मविश्वास से बीजेपी भरी हुई है, लेकिन कांग्रेस में अब फिलहाल किस तरह की हलचलें हैं, कांग्रेस का क्या रुख है उपचुनाव की तारीखों को लेकर, जानेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता आकर्ष शर्मा की ओर, जो कि मौजूद है इस वक्त पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ बातचीत करेंगे। आकर्ष,
तो देखिए दोनों ही पार्टियां अब चुनावी मैदान में उतरेंगी और तैयारियों में दोनों ही पार्टियां शुभांगी जुट गई हैं। बिल्कुल। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब बातचीत की गई बीजेपी से तो चारों ही सीट जीतने का दावा कर रही है बीजेपी और आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आईना दिखा चुके हैं, जनता आईना दिखा चुकी है कांग्रेस को, जिस तरह से उपचुनाव में पहले भी जीत बीजेपी ने हासिल की थी। और प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि चारों सीट